नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जिन भी स्टूडेंट टेक यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्रॉप कटिंग का फॉर्म कैसे भरेंगे। क्रॉप कटिंग के बारे में डिटेल जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। यदि आप लेख पाल रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर जहां से मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप क्रॉप कटिंग का फॉर्म कैसे भरेंगे। हम आ गए उस पेज पर जहां पर आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि ऊपर देख पा रहे होंगे, तालिका नंबर एक फसल कटाई सर्वेक्षण, खेतों का चयन और चुने हुए खेतों का विवरण। तो सबसे पहले सन भर लीजिएगा, उसके बाद में मौसम में खरीफ भर लीजिएगा, फसल में धान भर लीजिएगा, जिला ग्राम का नाम, तहसील का नाम जैसा कि मैं लिख रहा हूँ ये लिख लीजिएगा, विकास खंड का नाम लिख लीजिएगा, नया पंचायत का नाम लिख लीजिएगा, ग्राम पंचायत का नाम लिख लीजिएगा, और इसके बाद में कृषि जलवायु क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र ये ज़रूर लिख लीजिएगा, उसके बाद राजस्व निरीक्षक का नाम लिख लीजिएगा। तो मैं ये खलीलाबाद है उत्तर पूर्वी मैदान लिख दे रहा हूँ, आर्थिक क्षेत्र में लिख दे रहा हूँ पूर्वी मैदान, आपका जो भी होगा आप उसको भर लीजिएगा। गांव आबाद है तो आबाद, नहीं है तो नहीं, टिक कर लीजिएगा। लेखपाल का नाम और लेखपाल के रहने का गांव का नाम, यानी हल्के में जिस गांव में रह रहा उसका नाम, राजस्व निरीक्षक का नाम व हल्का, और खेतों के चुनाव की तिथि लिख लीजिएगा। ये विकास खंड कार्यालय, तहसील मुख्यालय, गांव से निकटतम बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन, ये सारी चीज़ें आप भर लीजिएगा। इतना करने के बाद हम आ जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर ये आपका रैंडम नंबर मिला हुआ रहेगा उसमें, और ऊपर लिख लीजिएगा गांव का अंतिम खसरा नंबर जो आपके सजरा में होगा और आपके खसरा में होगा, उसको लिख लेंगे। जैसे कि मैं 406 लिख दिया, अब 406 से 3362 में भाग कर दीजिएगा। भाग करने के बाद जो शेष बचेगा उसको इसमें लिख लीजिएगा, मैं भाग कर दिया हूँ और 114 बचा शेष, इसको मैं यहाँ लिख दिया। अब इस तरह से आप भी अपना जो भी होगा उसमें गांव के अंतिम गाटा संख्या से भाग कर दीजिएगा रैंडम नंबर में, जो शेष बच जाएगा वो आप इसमें लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद अब ये देखिए, ध्यान देने की ज़रूरत है क्या ये जो नंबर आया ये इसमें धान बोया गया है कि नहीं बोया गया, हो सकता है ये रास्ता हो चकनाली हो, तो मैं इसको चेक किया तो इसमें ये रास्ता निकला, और उसके बाद में 115, 16, 17 तक मतलब गड़े प्रति ऐसे निकले, अब 118 मेरा बचा, तो 118 पर धान बोया गया है, तो 118 का मैं चयन कर लिया, आप भी चयन कर लीजिएगा। अब उसके बाद में किसके नाम से ये गाटा है उसका नाम लिख लीजिए, जैसा कि मैं लिख दिया श्रीमती शोभा और वाइफ ऑफ रामचेत, आप भी लिख लीजिएगा जो भी होगा। इस तरह से ये करने के बाद में फिर ये डिटेल जो भी चीज़ें इसमें हैं, बैंक वैंक का नाम ये सब उसका काश्तकार का रहेगा जिसके नाम से खेत है, ये सारी चीज़ें आप उससे ले लीजिएगा और लेकर के भर लीजिएगा। फिर खेत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको इसमें लिख दीजिए कॉलम नंबर 7 में। तो मैं इसमें लिख दिया 10215 हेक्टेयर का ये पूरा चक है जिसमें उसने धान बो रखा है। उसके बाद में ये कहाँ के रहने वाले हैं कृषक, उसका नाम लिख दीजिएगा, ये कड़ेसर के रहने वाले हैं, तो आप मैं लिख दिया कड़ेसर का। आपके किसान अगर उसी गांव का है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसमें कुछ लिखें। और उसके बाद में ये 9 और 10 कॉलम जो है इसको ध्यान से पढ़ करके, मेरे यहाँ ये फॉलो नहीं कर रहा तो मैं इसको छोड़ दिया हूँ, आपके यहाँ भी नहीं हो रहा होगा तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में कॉलम नंबर 11 देख लीजिए कि यदि कटाव ग्रस्त है, जल भराव की स्थिति है तो उसको कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, नहीं तो टिक कर दीजिए, ऐसे खाली छोड़ दीजिए। फिर लिखा कि कलम नंबर 12 प्रयोगाधीन खेत में फसल बोने की तिथि लिख दीजिए, मेरे यहाँ 13/7/2020 को इन्होंने फसल 21 को इन्होंने फसल बैठाई थी, खेत में बोए थे, तो मैं उसको लिख दिया। इस तरह से आप इसको लिखने के बाद में अगला पेज पलट करके आ जाइए कलम नंबर 13 में। कलम नंबर 13 में जो इसमें लिखा है कि यदि प्रयोगाधीन खेत में फसल धान बोई गई है तो क्या है, छिड़कवा है कि पौधे, तो मैं पौध है पौध लिख दिया हूँ, अगर छिड़कवा है तो छिड़कवा लिखिएगा। फिर लिखा खेतों की जुताई का साधन में ट्रैक्टर या बैल जो भी है उसको लिखिएगा, किराए का है या स्वयं का है उसको लिख लीजिएगा, मैं किराए का लिख दिया हूँ, ट्रैक्टर से है, कितने रुपये घंटे ट्रैक्टर चल रहा है इस समय वो लिख दीजिएगा। उसके बाद में
प्रयोगा दिन खेत जो जितने में वो फसल बोया है या टोटल खेत 215 हेक्टेयर का था, यदि उसमें वो 100 हेक्टेयर अगर वो बोया होता तो 100 हेक्टेयर लिखते, बाकी 115 में कुछ और होता तो उसको लिखते। फिर लिखा रहा कि प्रयोगाधीन खेत की लंबाई कदमों में, अब उस खेत को आप नाप लीजिए कदमों में कितना कदम है। उसके बाद में लिख रहा खेत की चौड़ाई कदमों में, तो इसको भी आपको कदम से चल के नाप लेना है, तो मैं इसको नाप लिया हूँ। फिर उसमें से कह रहा कलम नंबर 14 में, सॉरी 14 कह रहा हूँ 18 में, 17 में तो पहले हो गए, 18 में घटाने के बाद लिख दीजिएगा और 19 में भी घटाने के बाद लिख दीजिएगा। लंबाई से घटाने के बाद 18 में, चौड़ाई से घटाने के बाद 19 में लिखने के बाद ये दोनों चीज़ आप छोड़ दीजिएगा 20 और 21 को, ये आपको मिलेगा तो उसके बाद आप भरिएगा। उसके बाद में फिर आ गया अगला 22 कलम में, देख लीजिए लिख रहा है कि प्रयोगाधीन खेत में गत वर्ष 2020-21 में बोई गई फसल, खरीफ में क्या बोया गया था उसको लिख लीजिएगा, तो धान बोया गया रहा होगा। रबी में क्या बोया गया उसमें गेहूं, तो गेहूं लिख लीजिए। यदि इसके अलावा कुछ रहा होगा तो उसको लिखिएगा, उसके बाद यहाँ टिक कर लीजिए। फिर कॉलम नंबर आप आ जाइएगा 23 में, लिख रहा प्रयोगाधीन खेत में वर्तमान वर्ष 2021-22 में बोई गई फसल, तो खरीफ में है तो खरीफ का हम लिख लेंगे धान, गेहूं वाला टिक कर दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए इसको। फिर लिख रहा कलम नंबर 24 में आ जाइए, कलम नंबर 24 में छोड़ दीजिए। और कलम नंबर 25 में लिख रहा है निर्धारित की गई तिथि किस दिन आप फसल कटाई करवाना चाहते हैं, तो वो तिथि जो आप निर्धारित करते हैं उसको इसमें लिख दीजिएगा। मैं लिख दिया 29/10/2021 को। क्या गांव में सुखाई का प्रयोग होता है, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा कि नहीं होता है, यदि होता होगा तो आप लिख लीजिएगा हाँ। उसके बाद में विशेष विवरण में जो कुछ भी है, तो आप यहाँ डीजल से सिंचाई का साधन उसका, तो डीजल से। ये करने के बाद में आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद आप देख लीजिए इसमें चुने गए खेत के कृषक के नाम हुआ हस्ताक्षर करा लीजिए, जैसे मैं लिख दिया श्रीमती शोभा, अब उनका हस्ताक्षर आप करवा लेंगे इस तरह से, ये आपका हो जाएगा शोभा देवी, उनका हस्ताक्षर आगे करवा लेंगे। फिर इधर कलम में लेखपाल का हस्ताक्षर है, लेखपाल का नाम है, मैं अपना हस्ताक्षर बना दिया, लेखपाल का नाम लिख दीजिए। राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर, राजस्व निरीक्षक ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर, उनका नाम, इस तरह से ये सारी चीज़ें आप स्वयं कर सकते हैं। वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।